ओम आग्रेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, हाजिर हूँ मैं देखिए आपसे एक फिर विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा यानी वार्ता का विषय देखिए बताऊँ मैं आपको, और उसके बाद फिर वार्ता पे तो चर्चा होगी होगी, लेकिन निवेदन पहले कर लूँ कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट्स में महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश आपको आशीर्वाद देंगे। तो मित्रों मैं देखिए क्या चर्चा कर रहा हूँ। देखिए 13 जनवरी को, 12 जनवरी को कर लीजिए, 12 जनवरी को, 12-13 जनवरी मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल मार्गी हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे मंगल। और जो है दस अंशों के हिसाब से लगाइए, जो उनकी डिग्री है डिग्री के हिसाब से युवा अवस्था में आ जाएंगे। युवा अवस्था में यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा अवस्था होती है हर ग्रह की। 6 डिग्री तक, 0 से 6 डिग्री बाल्यावस्था होती है, फिर थोड़ा और किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था। 12 से जो है 18 डिग्री को हम मानते हैं, और 18 से फिर आगे 6 और बढ़ाइए 24, 24 से 30 आगे मृत अवस्था कहिए, वृद्धावस्था कहिए, पर ये 12 डिग्री से 18 डिग्री तक की युवा अवस्था होती है, जब सबसे ग्रह सबसे बड़ा बहुत महाबली होता है, युवा मतलब है यंग। तो मंगल जो है महाबली कहिए युवा कहिए, 12 से 18 डिग्री के बीच में कहिए, 12 जनवरी से, और माह के अंत तक समझ लीजिए 25 जनवरी तक मान लीजिए, 12 जनवरी से लेकर के मार्गी हो गए और अति बली हो गए। मार्गी हो गए और युवा हो गए। तो मंगल जो है अपना विशेष प्रभाव देंगे कुछ राशियों के लिए, विशेष लाभान्वित करेंगे कुछ राशियों को, खास तौर से वृषभ राशि में। देखिए देखते हैं पहले कि मंगल जो है मार्गी हो गए, और मंगल है कहाँ पर, वृषभ राशि में है। तो मंगल वृषभ राशि इन शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि का मतलब वैसे भी कहें अगर तो शुक्र का धन का भाव दूसरा भाव होता है, वृषभ राशि के होता है धन का भाव, मानते हैं जैसे काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव जो शुक्र का भाव है, तो शुक्र मालिक होते हैं उसके धन के। तो मंगल जो है, और देखिए मंगल से अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मंगल का देखिए बृहस्पति और मंगल का शनि का, अभी तो शनि जो है 17 जनवरी से पहले पहले है कहिए, तो शनि के साथ भी नवम पंचम का बन रहा है संबंध मंगल का, और उस बृहस्पति के साथ, बृहस्पति से 1 2 3 3 11 का संबंध बन रहा है। मंगल से बृहस्पति 11 11 खाने में दूर, और बृहस्पति से मंगल 3, तो 3 11 का संबंध बृहस्पति से बन रहा है। तो बृहस्पति का मंगल का सहयोग बन रहा है, और बृहस्पति का शनि का जब तक मकर राशि में है, शनि 17 जनवरी से पहले पहले 9 5 का संबंध बन रहा है। तो ये मंगल जो है युवा अवस्था के मंगल अति बली हो गए। अब जैसे युवा अति बली कहिए, महाबली अति बली कहिए, बहुत बलवान हो गए, और बृहस्पति से संबंध बना रहे हैं, शनि से संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे मंगल कुछ राशियों को तो विशेष ही कृपा करेंगे भाई। तो किसको देखिए मैं बताऊं, कुछ राशियों को तो जो बहुत ज्यादा कृपा करने वाले हैं। तो मैंने 7 राशियां छांटी हैं जिनको बताऊंगा मैं, वो 7 राशि वाले अपने अपने नंबर पर राशि अपना पढ़ के सुनकर फिर चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाके आराम करें। तो मैं उन 7 राशियों की चर्चा करूंगा। देखिए एक पहली राशि मैं लेता हूँ, मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए कहाँ है मंगल, दूसरे खाने में धन भाव में बैठे हैं। तो मेष राशि के तो धन का ये अति बली होकर के बृहस्पति से 3 11 का संबंध बना करके
शनि से अभी 17 जनवरी तक 9-5 का संबंध बना करके धन दे रहे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, और एक दृष्टि सप्तम पड़ रही है अष्टम पे, और अष्टम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पे, नवम भाव भाग्य भाव। तो मंगल मेष राशि का भाग्य बढ़ा रहे हैं, अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा गुप्त धन की प्राप्ति भी करा रहा है शेयर से, सट्टे से, लॉटरी से, और धन भाव में तो बैठ रही है खुद, धन भाव में बैठ करके चौथी दृष्टि से संतान भाव को भी देख रहे हैं। तो संतान से लाभ, संतान को लाभ, संतान द्वारा, संतान को लाभ, संतान द्वारा भी आपको भी लाभ, जातक को भी लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ। तो मेष राशि के लिए अति बली मंगल बहुत अच्छे स्थान पर बृहस्पति के साथ संबंध बनाते हुए, शनि के साथ संबंध बनाते हुए बहुत कृपा कर रहे हैं। अभी 12 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक मान लिए, जब तक वो उनके अति बली हैं, डिग्रियां जवान युवा वाली डिग्री हैं, यानी ये जनवरी का उत्तरार्ध कह दीजिए, पूरा आधा महीना जनवरी का विशेष कृपा पा रहा है, और मेष राशि वाले विशेष धन लाभ पा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। और दूसरी राशि ये देखिए, मेष के बाद मैं जो कहूँगा वृषभ राशि को देखिए, तो वृषभ राशि के लिए लग्न में आ गए, कि वृषभ राशि लग्न में ही पहले भाव, तो लग्न में बैठे हुए मंगल और चौथी खाने में दृष्टि जाएगी, सातवें में जाएगी और आठवें में जाएगी। लग्न के मंगल जातक को हृष्ट पुष्ट सुंदर शरीर बना रहे हैं, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा बना रहे हैं जातक का, जातक का चरित्र अच्छा बना रहे हैं, जातक को बलवान निरोगी काया, मंगल सुदृढ़ शरीर। और देखिए चौथे भाव पर दृष्टि तो भूमि भवन वाहन कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल, तो वृषभ राशि वालों को लग्न में बैठ करके चौथे भाव में और सातवें भाव में परिवार के साथ भी, परिवार को भी, पति पत्नी के खाने को भी दिख रहे हैं, और पति पत्नी के भाव को देखते हुए मंगल विशेष कृपा कर रहे हैं, व्यापार में पार्टनर से अच्छा सहयोग दिला रहे हैं। अष्टम पर दृष्टि है तो गुप्त धन की प्राप्ति करा रहे हैं, सट्टे से छोटे मोटे धन की प्राप्ति भी हो रही है। तो वृषभ राशि को भी, जैसे मेष राशि को मंगल ने, मेष राशि के तो मंगल लॉर्ड थे, स्वामी थे, तो मेष राशि को लाभ पहुँचाया धन भाव में बैठ करके, ऐसे वृषभ राशि के लग्न में बैठ करके, और दृष्टियाँ जैसे बताई मैंने चार में, सात में, आठ में, तो वृषभ राशि को बड़ा लाभ चला रहे हैं। अब तीसरी राशि जिसको लाभ मिल रहा है वो है देखिए सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या हो रहा है देखिए बताऊंगा, विशेष लाभ मेष वृषभ और सिंह। तो सिंह राशि के लिए मंगल जो बैठ गए दसवें भाव में, दसवें भाव है कार्य क्षेत्र का, कर्म भूमि का, यानी व्यापार का, नौकरी का, जो भी काम करना है, दसम भाव में बैठ गए, दसम से चौथे में दृष्टि पड़ेगी, तो सुख सुख का सातवीं दृष्टि और पंचम पर चौथे में पड़ेगी, पंचम पर अष्टम दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल की दृष्टि देखिए सिंह राशि के लिए दसवें भाव में बैठ करके एक तो चौथी दृष्टि पड़ेगी लग्न में, तो लग्न को भी डाला, बनवार बनाया, लग्न जातक का पर्सनलिटी अच्छी बनाई, और सिंह राशि के लिए सप्तम में दृष्टि गई और अष्टम में दृष्टि गई। कर्म क्षेत्र में जा रही है तो कर्म क्षेत्र में तरक्की, जो काम कर रहे हैं उसमें तरक्की, ये टाइम में जो है नया काम भी शुरू कर सकते हैं, ट्रांसफर भी हो सकते हैं तरक्की के साथ, पैसे की उन्नति हो सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए भूमि पुत्र मंगल दशम भाव में बैठ करके सुख स्थान पर दृष्टि पड़ रही है और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो शरीर भी अच्छा होगा, बीमारियां खत्म होंगी, काया हृष्ट पुष्ट सुंदर, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो ये सिंह राशि वालों को भी जो है, जैसे मैंने और बताया था मेष वृषभ के साथ साथ सिंह, तीन राशि हो गई। और देखिए चौथी राशि मंगल की अपनी राशि है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए मंगल जो है वृश्चिक लग्न या राशि जो है पहले भाव में है, तो उसके सामने भाव में सप्तम भाव हो गया, तो सप्तम भाव में मंगल सामने, सप्तम भाव में नहीं, वृश्चिक राशि जो है, हाँ हाँ वृश्चिक राशि आठवीं राशि लग्न में है, आठवीं राशि, तो दूसरी राशि में वृषभ राशि में मंगल है, वो कहाँ जाएगी, सामने सातवें भाव में। तो सातवें भाव में मंगल परिवार, खैर वो मंगल ही तो बनाते हैं जातक, थोड़ा सा अपनी वाणी पर
शांति रखे, क्रोध पे शांति रखे तो परिवार का पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध, व्यापार में अच्छे संबंध, तो सप्तम भाव के मंगल दृष्टि पड़ रही है। देखिए चौथी दृष्टि दसम भाव पर, कर्म क्षेत्र पर, लग्न पर और दूसरे भाव पर, तो वृश्चिक राशि को भी विशेष लाभ मिल रहा है। धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है और कर्म स्थान में और बैठे हैं सप्तम स्थान में, सब अच्छा। तो वृश्चिक राशि को तो बहुत ही मैं कहूँगा, क्योंकि बैठे भी अच्छे हैं और दृष्टियाँ भी अच्छी पड़ रही हैं, तो वृश्चिक राशि भी बहुत लाभ पा रही है, धन पा रही है, सुख पा रही है, संतान को सुख, परिवार को सुख पा रही है, पति पत्नी के बीच में अच्छा सुख मिल रहा है। तो देखिए वृश्चिक राशि के बाद अब देखिए और अगली राशि जो आती है विशेष लाभ पा रही है, वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के लिए मंगल कहाँ गए? कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में, क्योंकि कुंभ राशि का मतलब होता है ग्यारहवीं राशि। तो ग्यारहवीं राशि जब लग्न में आ गई तो एक दो तीन चार, एक यानी ग्यारहवें के बाद बारहवीं राशि, पहले फिर मेष राशि, फिर वृषभ राशि आई, तो चौथे खाने में आ गई। तो कुंभ राशि के लिए सुख भाव के मंगल, सुख स्थान पर मंगल बैठे हैं वृषभ राशि में, सुख स्थान पर बैठ करके सुख देंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, माता को सुख देंगे, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वहां से मंगल की दृष्टि पड़ेगी। सामने सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में तरक्की, सरकारी काम से भी फायदा होगा, लाभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में बैठ करके मंगल सप्तम में दृष्टि पड़ेगी, सप्तम यानी परिवार पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध, और दसम पर दृष्टि पड़ेगी और ग्यारहवें भाव पर लाभ भाव में। तो कुंभ राशि के लिए लाभ भाव में मंगल बैठ गए लाभ, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव में, विशेष लाभ, भाई बहनों से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, बहुत जबरदस्त। तो देखिए कितनी राशि बनी है, ये पांच राशि मैंने बताई है अभी, मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जिनको विशेष लाभ मिल रहा है, यानी मैं इनको कहूँ करोड़पति राशि है ये, या कहूँ महाधनी राशियां हैं। तो देखिए ये तो हो गई पांच राशि, अब दो राशियां मैं और बताऊंगा जो थोड़ी कम, 19-20 कर दो थोड़ा, ये अगर 20 है तो वो 19, जरा सा कम, मतलब करोड़पति नंबर वन, करोड़पति नंबर टू ऐसे कह दो, महाधनी नंबर वन, महाधनी नंबर टू कह दो। तो केवल दो राशियां हैं और वो कौन सी हैं, एक तो है कर्क, कर्क राशि के लिए ग्यारहवें भाव में बैठे हैं मंगल, कर्क राशि के लिए मंगल यानी दूसरी राशि नंबर दो, वृषभ राशि कहाँ ग्यारहवें भाव में, तो कर्क राशि के लिए ग्यारहवें भाव के मंगल, भाई वाह, मंगल जो है लाभ ही लाभ दे रहे हैं, लाभ का मतलब बड़े भाई बहनों से लाभ, व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, हर जगह से क्षेत्र से लाभ ही लाभ है। तो बहुत जबरदस्त कर्क राशि वालों के लिए, ग्यारहवें भाव में और दृष्टि पड़ रही है दूसरे में, पांचवें में, छठे में, तो दूसरे भाव की दृष्टि धन की, धन में दृष्टि जा रही है, पांचवें में संतान भाव में धन मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान को, संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, और छठे भाव में दृष्टि गई तो शारीरिक बीमारियां दूर, रोग ऋण से मुक्ति, शत्रु भाग जाएंगे सब। तो ये रहा मामला थोड़ा 19 कर्क राशि वालों के लिए। अब ऐसे ही एक और राशि है जिसको मैं कहूँ सातवीं राशि, वो है यानी दो राशियां जो कम लाभ पा रही हैं उनमें, कर्क और कन्या। तो कन्या राशि के लिए भी देखिए मंगल जो बैठे कहाँ, भाग्य भाव में, नवे भाव में, तो कन्या राशि के लिए नवे भाव के मंगल भाग्य बढ़ाएंगे, भाग्य वर्धन करेंगे और दृष्टि पड़ रही है बारहवें में, तीसरे में और चौथे में, तो चौथे की दृष्टि तो सुख भाव में, सुख देंगे, माता को आशीर्वाद, माता का सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, भूमि भवन वाहन से लाभ मिलेगा। और देखिए सप्तम पे नहीं, कन्या राशि के लिए बारहवें पे, तीसरे पे, चौथे पे, तीसरे पे दृष्टि या चौथे पे दृष्टि, तो परिश्रम तो कराएंगे ऐसे मंगल, परिश्रम से लाभ दिलाएंगे, यात्रा कराएंगे उनसे लाभ दिलाएंगे, और विदेशी यात्रा हो सकती है, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश व्यापार से लाभ हो सकता है, विदेश से कहीं अच्छा समाचार मिल सकता है, विदेश में कहीं नौकरी लग सकती है, विदेश जा सकते हैं, विदेशी यात्रा हो सकती है। तो देखिए पांच राशियां आप कहूँ महाधनी और दो राशियां कम जगह, यानी सात राशियां बताई मैंने, पांच मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये तो पांच बहुत बढ़िया
मानदनी और दो राशियां कर्क और कन्या, थोड़ा कम 19 यानी करोड़पति और करोड़पति नंबर 2, यानी 7 राशियों के लिए 5 को ज्यादा लाभ मिल रहा है, 2 को थोड़ा कम मिल रहा है। मंगल का विशेष महाबली मंगल, अति बली मंगल, युवा मंगल, बृहस्पति से कनेक्टेड मंगल, 3-11 का संबंध बनाने वाले, और शनि से अभी 17 जनवरी तक 9-5 का संबंध बनाने वाले मंगल, देखिए इस जनवरी के उत्तरार्ध में बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है 7 राशियों को। तो मित्रों मैं यहाँ विराम लूंगा, पर निवेदन ये करूंगा कि मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते गणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश की कृपा पाएं। तो मित्रों नमस्कार।